स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्टोवैक में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइस, हमारा YouTube चैनल टेक्टोवैक है और इस चैनल के माध्यम से आपको ग्राम पंचायत और उससे संबंधित जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। इसी के तहत गाइस, आज का हमारा वीडियो होने वाला है भुवन मनरेगा से संबंधित। इस एप्लीकेशन के बारे में आप जानते ही होंगे गाइस कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही नरेगा के जो है वो काफ़ी सारे जियोटैक्स किए जाते हैं। तो देखिए, इस एप्लीकेशन का मैं आज आपको इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ गाइस। तो देखिए, भुवन मनरेगा एप्लीकेशन जो है वो एक MG नरेगा मोबाइल ऐप है, जियो MG नरेगा मोबाइल ऐप है, जिसके माध्यम से मनरेगा में कोई भी नए काम स्वीकृत होते हैं गाइस। तो मनरेगा में स्वीकृत हुए काम का 3 जियोटैग होता है, अनिवार्य होता है। सबसे पहला जियोटैग कब होता है गाइस? सबसे पहला जियोटैग तब होता है जब मनरेगा में कोई नया काम स्वीकृत होने से होता है, TS AS जारी हो जाता है। उसके बाद जब काम शुरू करना होता है तो काम शुरू करने से पहले सबसे पहला जियोटैग होता है गाइस। दूसरा जियोटैग क्या होता है कि जब किसी काम की मान लीजिए काफ़ी समय हो जाता है, लगभग 50% राशि उस काम की स्वीकृत राशि खर्च हो जाती है 50%, तब ड्यूरिंग यानी कि काम चलने के दौरान एक जियोटैग होता है गाइस कि कितना काम हुआ आपको अपलोड करना होता है जियोटैग, ठीक है गाइस। उसके बाद तीसरा जियोटैग कब होता है? जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, जब आप काम का CC करने वाले होते हैं और आप उस काम का CC करके उस काम को फाइनली ख़त्म करना चाहते हैं यानी कि कंप्लीट करना चाहते हैं, तब तीसरा जियोटैग गाइस जो वो किया जाता है। और इसी भुवन मनरेगा एप्लीकेशन के माध्यम से जियोटैग किया जाता है गाइस। मनरेगा में चाहे किसी भी प्रकार के काम हो, चाहे मिट्टी मूलक काम हो या फिर चाहे निर्माण काम हो गाइस, जो भी काम मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत है, जैसे कि मान लीजिए कोई काम कन्वर्जेंस में होता है, तो कन्वर्जेंस में भी कोई काम होता है गाइस, तो उसका भी जियोटैग यानी कि जो भी राशि रहती है 20-22-25 हज़ार 30 हज़ार काम के लागत के हिसाब से गाइस, तो उस काम का जियोटैग भी इसी एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ गाइस कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से, मैंने आपको सारी डिटेल बताया कि इस एप्लीकेशन से क्या काम होते हैं, क्या है एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कैसे करेंगे और इसका यूज़ कैसे करेंगे। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ गाइस इस विषय में, भुवन मनरेगा से संबंधित। यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में मैं उन वीडियो के लिंक भी आपको दे दूँगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और नए वीडियो से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके जवाब आपको ज़रूर दूंगा।